सो हेलो गाइस, दिस साइड जतिन। जैसा आप मुझे जानते हो, मैं पियानो के डेली वीडियोस, नॉट डेली, एवरी वीक और 10 डेज 15 डेज में अपलोड करता हूँ। पियानो लर्निंग वीडियो या कुछ भी वीडियो होती है। सो आज हम बात करेंगे कि भाई कीबोर्ड जो होता है, कोई भी कीबोर्ड पियानो, हमें क्यों लेना चाहिए और फिर क्या हमें ऐसी क्या चीज़ होती है हमें जो कीबोर्ड में दिखनी चाहिए। ये जो कई मैंने लोगों को सुना है, मतलब बोलते हैं कि हमें पता नहीं, आप मुझे बता दो हम कौन सा कीबोर्ड लें। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ एंड इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं मेकिंग दिस वीडियो। सो कभी भी हमको कीबोर्ड लेते हैं तो एक बजट मैटर करता है कि भाई 5 to 10,000 के बीच में क्या आएगा, 15 से 30,000 के बीच क्या आएगा, 50,000 से 1 लाख के बीच क्या आएगा, या फिर 3 लाख से 10 अबव। पियानोस की जो स्टार्टिंग होती है जनरली 3 लाख के अराउंड होती है, 2.5 लाख एंड 3 लाख। सो अभी हम बात करते हैं बेसिक कीबोर्ड्स की, जैसे कि कैसियो बनाता है कीबोर्ड्स, यामा बनाता है, कॉर्ग बनाता है। सो इसमें जो स्टार्टिंग के जो बिगनर्स जो कीबोर्ड्स होते हैं, जनरली लोग क्या बोलते हैं कि हमें कैसियो चाहिए। सो कैसियो तो एक ब्रांड नेम होता है, एज यू नो कि मतलब अब, लेकिन उसको हम कैसियो को हम जनरली कीबोर्ड को हम कैसियो बोल देते हैं। सो इसमें क्या होता है कि ऐसे कि जो बेसिक कीबोर्ड होता है तो उसकी स्टार्टिंग होती है 6,000 से, जो कि कैसियो का आता है। सीटी के 1300 अब आ गया है, पहले सीटी के 1200 आता था, जो कि डिसकंटिन्यू मॉडल हो गया है। और उसमें क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको आज मैं बताने वाला हूँ, वो है टच सेंसिटिव फीचर एंड 61 कीज, जो कि आप किसी भी आप चीज़ को, जैसे आप बजाएंगे कीबोर्ड, सीखेंगे पियानो या कुछ भी, पियानो भी आप सीख सकते हैं कीबोर्ड से, ऐसा आपको मैंने बताया था अपनी जो लर्निंग वाली वीडियोस में, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है टच सेंसिटिव में फीचर में, कि आप उस की को जितना आप उसको प्रेस करेंगे उतना साउंड आएगा, आपका जो वॉल्यूम के बेस पे वो साउंड नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए आपका वॉल्यूम फुल है, अगर आपने धीरे से उस की को दबाया तो साउंड कम आएगा, मतलब बेसिकली, तो उसको टच सेंसिटिव फीचर बोलते हैं। एंड 61 कीज में आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 ऑक्टेव्स होते हैं। ऑक्टेव मतलब आपको मैंने बताया था कि भाई 2 ब्लैक कीज 3 ब्लैक कीज, इसको हम एक ऑक्टेव बोलते हैं। तो इसमें 5 ऑक्टेव का मतलब ये है कि आप जैसे ट्रिनिटी से आप पियानो सीखते हो, या जैसे आप पियानो सीखते हो, कहीं से भी आप कोई भी आप कोर्स फॉलो करते हो, तो उसमें 5 ऑक्टेव का मतलब है कि आपका वो ग्रेड सेकंड तक तो आराम से निकल ही जाएगा बॉस, ग्रेड सेकंड ग्रेड थ्री तक भी चल जाएगा। ग्रेड थ्री का मतलब है आपका 3 साल वो निकाल देगा, 2.5 से 3 साल। एंड उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा है उसमें पियानो सीखने के लिए, कीबोर्ड सीखने के लिए, या फिर आप कंटिन्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर आपको इसके बाद अगर आपको लेना है तो कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए। क्योंकि 2-3 साल में आपको पता चल जाता है किस कीबोर्ड के साउंड आपको कौन से अच्छे साउंड है, कौन से बेकार साउंड है, क्योंकि जो बिगनर होता है उसको पता ही नहीं होता कि साउंड क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए। सो उसमें काफ़ी सारे रेंजेस होती हैं, मैंने बता दिया भाई ये बेसिक दो चीज़ तो आप ध्यान में रखिएगा, टच सेंसिटिव फीचर एंड देन सेकेंड फीचर ऑक्टेव फीचर, 5 ऑक्टेव मिनिमम चाहिए होते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो मैं बताऊँगा कि भाई एक प्रोफेशनल के लिए भी और एक बिगनर के लिए भी कि कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए। अब तो ये हो गया फीचर की बात, अब किसी का बजट है 25 से 30 हज़ार, किसी का बजट है 50 से 60 हज़ार, किसी का 1 लाख या उससे ज़्यादा, तो उस केस में आप बताएं कि आपका यूज़ क्या है। अगर आप एक परफॉर्मर हैं, अगर आप कुछ शोज़ वगैरह करते हैं, तो शोज़ में तो देखो आपको सारी चीज़ चाहिए होंगी, ओबियसली साउंड अच्छा चाहिए होगा, आउटपुट अच्छा चाहिए होगा, एक अच्छा आपको स्क्रीन चाहिए होगा। तो बता दूं कि जो कॉर्क के कीबोर्ड्स आते हैं वो पीए सीरीज़ काफ़ी चलती है इनकी, तो पीए सीरीज़ में क्या है, PA 300, PA 600, PA 900, ये तो चल ही जाता है। उसके ऊपर PA 4X भी आता है, जो कि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो 2.5 लाख 3 लाख से उस बजट में आता है। बट हम बात कर रहे हैं बेसिक कीबोर्ड की, 50,000 से 1 लाख तक के बीच जो भी कीबोर्ड्स आते हैं, तो उसमें इंडियन टोन्स होती हैं पीए, जो पीए की कॉर्क्स, जो कॉर्क की जो पीए सीरीज आती है, PA 300 लो 600 लो 900 लो, इंडियन टोन्स आपको सब में मिलेंगी। लेकिन उसमें यह है कि आपको और ज़्यादा फीचर चाहिए, आपको आप चाहते हैं कि आप उसमें माइक भी कनेक्ट कर दें, तो यू हैव टू गो फॉर PA 900। देन PA 900 में आपका माइक फीचर है, देन उसको आप माइक ला के आप गा भी सकते हो, उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है वो वाला भी। ऐसे ही मैं बताऊंगा कि जो यामा के कीबोर्ड्स आते हैं, PSR S3 आती है, S670, 970 एंड PSR S770, जो कि मैंने अभी मिस कर दिया, रियली सॉरी अबाउट दैट। सो इस ये हो गया, उसके बाद अब यामा में क्या है ना कि आपको टोन उसमें खरीदना पड़ता है, लेकिन अभी उसका बताना चाहूँगा, उसमें एक ट्रायल पैक चल रहा है जो कि तीनों कीबोर्ड्स में ही चलेगा, आपका PSR 670, PSR 970, PSR 770, तो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है देन आप उसको खरीद भी सकते हो। यामा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहाँ से मिल जाएगा वो टोन्स का। सो कैसियो की कीबोर्ड्स भी कंपनी बनाती है, लेकिन कैसियो के जो कीबोर्ड्स होते हैं वो 20-22 हज़ार तक कीबोर्ड्स आते हैं, उसके बाद उनकी दूसरे सिंथेसाइजर सीरीज स्टार्ट हो जाती है, जो कि लेकिन हम बात अभी कीबोर्ड ही कर रहे हैं। और दूसरे चीज़ जो सिंथेसाइजर एंड कीबोर्ड्स में जो फर्क होता है, वो यही फर्क होता है कि उसके अंदर स्पीकर्स नहीं होते, सिंथेसाइजर के अंदर स्पीकर्स नहीं होते, चाहे आप कॉर्क का लो चाहे आप कोई कुछ भी लो। तो सिंथेसाइजर का जो मतलब मेन बेसिकली होता है कि आपको जो साउंड क्वालिटी होती है वो बहुत 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 ज़्यादा
बहुत अच्छी साउंड मिलती है आपको इफ यू प्ले सिंथेसाइजर इन अ बैंड, और मतलब कोई भी आप शोज करते हो उससे, अगर आप पियानो का बजा रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप, पीपल कांट रिकॉग्नाइज के, मतलब उनको पता ही नहीं, वो सोचेंगे रियल ग्रैंड पियानो बज रहा है, बिल्कुल रियल साउंड आती है। सैक्सोफोन बजाएंगे तो बिल्कुल जो फ्रेट बोर्ड्स, वो सॉरी फ्रेट बोर्ड क्या रहा, वो गिटार में होता है, सो चेंजेस जो नोट चेंजेस के साउंड होती है ना, वो भी उसके अंदर वो शो करेगी। सो पता चल गया बेसिक कीबोर्ड, हाई एंड कीबोर्ड्स का जो स्टार्टिंग मैंने बता दिया, जो 50-60 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं पियानो की। पियानो सीखने के लिए जरूरी नहीं है पियानो लेना पड़े, लास्ट वीडियो में बताया था आपको मैंने, जो लर्निंग की जो लेसन वन में शायद मैंने बताया था, पियानो जरूरी नहीं है पियानो लेना पड़े, आप कीबोर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हो। दो चीज़ ध्यान रखना अभी बता दी, तो उसमें क्या है, पियानो में 88 कीज होती हैं, ठीक है, उसमें लेकिन उसमें 2-3 साल बाद आप अपग्रेड कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं वो सीधा अकोस्टिक पियानो लेते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको के लाइफ टाइम वो एक हो जाता है, लाइफ टाइम आई मीन टू से 40-50 साल 60 साल 100 साल भी चलता है, डिपेंड करता है कि आपका कितना आप उसको मेंटेनेंस आप करते हो, ट्यूनिंग टाइम टू टाइम करवाते हो, सब कुछ करते हो। सो आप खुद सोचिए कि आपका यूज़ क्या है, आपको कैसा कीबोर्ड आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने 2 साल पहले मेरा दोस्त वो यूज़ कर रहा था, देन मैं अभी वही लेता हूँ, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, या फिर वन ऑफ माय फ्रेंड माय यूजिंग दैट्स अ कैसियो सीटी के 2300 और 7300 एंड यामाहा पीएसआर कुछ भी, मतलब गौर यूज़ कर रहा है तो वही लेना है। नहीं, जो कीबोर्ड इफ यू लाइक दैट कीबोर्ड यू गो फॉर दैट कीबोर्ड। अब मैं फाइव एम सेइंग दैट्स यामाहा इज गुड मोर देन कैसियो, देन यू डोंट हैव टू गो फॉर यामाहा, देन आप उसको साउंड देखें, चेक करें, देन उसके बाद उसको लें। कोई भी चीज़ होती है हम उसको देख के लेते हैं ना, तो आप कीबोर्ड में भी आप ऐसे कीजिए, पियानो में आप ऐसे कीजिए, जो साउंड आपको अच्छा लगता है आप वो लो। कॉर्ग अच्छा लग रहा है कॉर्ग लो, यामा अच्छा लग रहा है यामा लो, कैसे अच्छा है कैसे लो, अरे बजाना आपको है बॉस, गोरों को नहीं बजाना, जो साउंड आपको पसंद है वो वाला कीबोर्ड लो आप। सो ये हो गया क्लियर सबको, कोई भी क्वेश्चन है माइंड में आप कुछ भी है, दिस इज वेरी फ्रेंडली स्पीकिंग, मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ, यामा को प्रमोट कर रहा हूँ, कॉर्ग को प्रमोट कर रहा हूँ, कैसे को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ सीन नहीं है। जो भी मेरे मन में आ रहा है बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मतलब मैं यहाँ पे देखता हूँ लोग आते हैं और बोलते हैं भाई जतिन यू टेल मी विच कीबोर्ड शुड आई विच मतलब किस पे मैं स्पेंड करूँ मनी, या फिर कॉर्ग लूँ यामा लूँ कैसे लूँ, देन उनके लिए सीधा सा आंसर यही है, जो कीबोर्ड आपको अच्छा लगता है आप वो वाला कीबोर्ड फाइनलाइज करो। कुछ भी क्वेश्चन माइंड में पूछ सकते हो यार, कमेंट करो, मैं आपको बोलता हूँ कमेंट करो, देन कमेंट अभी इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, देन इट्स ओके। सो ऑलवेज मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वीडियोज भी अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, जो लर्निंग की वीडियो वो चलता रहेगा साथ साथ। देन ये मैंने आप लोगों को छोटा सा मैंने सोचा था कि माई आई शुड मेक अ वीडियो लाइक दिस, कि मैं आपको बताऊँ कि क्या है कीबोर्ड में फीचर्स एंड क्या लेना चाहिए, किस बजट में कीबोर्ड स्टार्ट होता है। तो बता दूँ 6,000 से कीबोर्ड स्टार्ट होता है एंड गोज अप टू देयर इज नो लिमिट, एक्चुअली 2.5 लाख का भी कीबोर्ड आता है, 6,000 का भी कीबोर्ड आता है। तो फर्क क्या होगा, कीबोर्ड तो कीबोर्ड है यार, कीज़ तो सेम ही आपको मिलेंगी ना, 61 कीज़ ही होंगी, डिपेंड करता है साउंड उसमें ज़्यादा होंगे, फीचर्स ज़्यादा होंगे, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो चीज़ में। सो कीप लर्निंग, कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे पूछ सकते हो ऐसे ही। सो दोस्तों जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर तो जरूर करो, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो पियानो और कीबोर्ड लेने की सोच रहे हैं। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कीप लर्निंग।